अच्छा बाबूजी, चंदा कैसेट कंपनी की ओर से हमारे बड़े भाई प्रकाश यादव मलदहिया पर वाले भैया के देख रेख में ये बीरस के बिरहा आप लोग के बीच जा रहा बा। हम लोग गीत बिरहा गायक दिनेश पाल मस्ताना, जिला बनारस, ग्राम राजापुर, पोस्ट कमौली से साथियन के आवाज में ये बिरहा जा रहा बा। तमाम तमाम भाइयन के सहयोग से ग्राम सभा कोटवा से हमारे मंगल पाल पहलवान, सनोज पाल बीडीसी, राजकुमार पाल, छोटू पाल, सनोज पाल और रामनगर ब्यासपुर की धरती से हमारे बड़े भाई शिव पूजन पाल, भोलानाथ पाल, विक्रम बलि पाल, भैया लोगन के बेहद प्यार दुलार से ई कैसेट जा रहा बा। हमके आशा ना विश्वास बा जैसे हर कलाकार के आप लोग सम्मान दे ही लजा, एहू कलाकार के आप लोग सम्मान दे ही। मास्टर बिरहा में चार लाइन भूमिका लगते बांध के रह राजा। दस यज्ञ किए अरे है मोहल्ला जो दस स्वमेधि कहाए, पंडित विद्वानों का चखीरा यहाँ, हर शिव को हत्या लगी मुक्ति काशी में पाए। आप लोगों ने बनारस काशी का महिमा बाबा इतिहास के पन्नों में बहुत पढ़ा और सुना होगा। ये बनारस काशी का इतिहास अपने ही देश में नहीं विदेशों में गाया जाता है मित्रों। एक काशी के इतिहास में एक वीर के भी बहुत बड़ी भूमिका बा। वो कौनो वीर के कहानी हो, बिरहा में बड़ी मिजाजी कौवाली का टुकड़ा लगल मास्टर तिहावा था बा कि तेरा चलवा काशी में नचारा बहादुर बहादुर नहीं कौवाली के तर्ज रहल। लेकिन कवि जी बिरहा में भाव कितना सुंदर लिखत हुन कि अरे गंगा जी के पानी से, ये बनारस काशी के गंगा जी में भी कितना दम हो, कितना दम हो कि अरे गंगा जी के पानी से मसगूल जवानी थी कहानी।
ए भैया बतावल जला कि बारे यहाँ का पानी बारे यहाँ का माटी कण कण में देवी देवतन का ऐसा वास बा कि इतिहास गवाही ऐसे ही ना देले। ये कहानी केकर बा कहाँ के बा मास्टर नजम का लाइन लगिलावा था बनारस के गुंगई पहलवान रहे काशी बनारस के गुंगई पहलवान रहे पिता था जनन पाल छोटा सा किसान रहे उन्नीस सौ पच्चीस सन में गुंगई का अवतार हुआ गुलजार हुआ भय हो नहारी भय हो नहार प्राइमरी में जाय पढ़ते थे भय हो नहार प्राइमरी में जाय पढ़ते थे कमावली गाँव मेला खाड़ा नीचे लड़ते थे तनी कहानी की आप लोग समझ ले। यही बनारस जिला के चिराई गांव ब्लॉक के अंतर्गत एगो गांव जौने गांव के नाम कमौली गांव बतावल गई। ए बाबू वही कमौली गांव के रहे वाला एक छोटा सा परिवार छोटा सा किसान जेकर नाम जनन पाल बतावल गई। जनन पाल के दुलही के नाम भगवंती पाल मालिक एक थे संतान देहलन जो बेटवा का नाम गुंगई पाल उर्फ गुंगा बतावल गई। बचवा के जन्म 1925 में भइल बाप। ए भैया बाबू लोगन के प्यार दुलार से कमौली प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा भी करत हुवन और वही गांव में कुश्ती भी लड़त हुवन। इतना बढ़िया कुश्ती लड़त हुवन कि कितना बढ़िया हम बताई इर्द गिर्द में गुंगई पहलवान के जोर करा वाला कोई पहलवान नहीं मिलत बा। तमाम तमाम पहलवानन के गांव पुर के सहयोग से गुंगई पहलवान के लोग ले जा करके मालवी पुल राजघाट काशी स्टेशन के बगल में भदौ चुंगी पर पुलिसन के अखाड़ा आज भी हो बाबूजी जौने अखाड़ा के नाम शेर अखाड़ा बतावल गई। वही ठे ले जाके गुंगई पहलवान के लोग पहुंचा दिलन। जब दो तीन साल वहाँ कुश्ती गुंगई पहलवान लड़ल तो वह उठे पहलवानन का छक्का छोड़ावे लगल पुलिसन का छक्का छूटे लगल लोग घबरा गिलन करे कि कहाँ के पहलवान भाई करे कितनी ताकत हो। गोपी उस्ताद के विचार बनौलन के पहलवान के जोर लगत बा कि हमरो अखाड़े पर ना हुई। उ ले गए कहाँ ले गए यहाँ एक लाइन बड़ी मिजाजी गीत लग गए मास्टर बा राजा बाबू है गीतिया बाप कि हम है मजनू कयार कि हम है मजनू कयार प्यार सीख लाई मये भैया।
ते गीत के बोल बा लेकिन बिरहा में भाव कवि जी कितना बढ़िया लिखत हुवन। बारे गुंगई पहलवान कम उम्र हो लेकिन कुश्ती कितना बढ़िया लड़त हुवन। बारजा बा कि रहल उमरिया कठोर, रहल उमरिया कठोर जोरना होला ये बाबू, ही उम्र में गुंगई पहलवान बहुत बढ़िया कुश्ती लड़त हुवन। देखा कुश्ती हो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, हर चीज अंश को होला। अगर अंश में हो तो कम खा के भी लड़वैया पहलवान हो जाए, और ना तो रोज काजू बादाम पीस के दाव के पियावत रहा, हो सवेरे छेड़त रही पोकत रही, वो पहलवान नहीं हो पाई। लेकिन अंश के चीज हो। बारे जन्नन पाल के बेटवा गुंगई पाल तो हल्का मचल हो, चर्चा के विषय पूरे बनारस जिला में हो। लेकिन उस समय कवन सन हो, कवि जी लिखत हो कैसे मास्टर? अरे 1942 गोपी राम समझाए, विश्वविद्यालय बहुत तुहरत मचल जोरना हो ये शेर अखाड़ा के उस्ताद गोपी राम बाबा ले जा करके विश्वविद्यालय बीएचयू पहुंचा दिए। वहां क्या अखाड़ा पर देश से नहीं बल्कि कई जिला जवार से विदेशों से पहलवान आते थे और जोर को अजमाते थे। वो उठे कुश्ती लगले मन लगा के लड़े, जब दो तीन साल बीतल तो वो उठे कोई लड़वैया पार नहीं पावत हो। जब से गुंगे पहलवान चार छह जोर कुश्ती न लड़े तब से पहलवान का जोर होबे न करे। तो तू जान ले बेटा ए भैया, तब लोगन के विचार से गुंगई पहलवान तीसर के अखाड़ा में पहुंचावल जाते हो। कहां ले गए ले लोग? कहां आओ मास्टर, ए भैया देखाई पड़ी पुराण गीत हो, कौनो दुलही मटकी लेके घूमत हो, कहाँ घूमत गई? अरे अथरी लेके घूम पाई, अरे अथरी लेके घूम पाई पूरा यही रानावाए दिखाई तो गीत रह के भाव कितना बढ़िया कवि जी लिखत हुवन। गुंगई पहलवान के लोग कहाँ ले गए? अरे एक दिन गुंगई रख के पहुंचा अपना रमहनावा गुरु पंडा जी, गुंगई रख के पहुंचा अपना रमहनावा गुरु पंडा जी।
रे एक दिन गुमाई रखे के पहुंचा अपन मनवा गुरु पंडा जी आय हाय गुरु पंडा जी अहिले आपके शरणवा गुरु पंडा जी आपके शरणवा गुरु पंडा जी अरे बाल श्याम लाल जी ओ जी आपके शरणवा गुरु पंडा जी ए भैया तमाम तमाम पहलवान लोग ले जा करके गुंगई पहलवान क्या बास फाटक पर पंडा गुरु का अखाड़ा बहुत नामी अखाड़ा रल भैया गाजीपुर के मंगला राज चंदगीराम तमाम तमाम कई जिला से पहलवान आवत रहे ये भैया वही जो गुंगई पहलवान का जोर होए लगल शरण गिर गेलन चरण पकड़ के गुंगई पहलवान कहे कि उस्ताद अभी हमारा आखिरी ठिकाना होए के चाहिए तुरंत पंडा गुरु उठा लेना के बचवा जो हमारे शरण में आ गईला तो यहाँ से तो क्या कहीं जाए के जरूरत तो कैले का बाबू अंतरा लगल में बास फाटक पर पंडा गुरु के अखाड़े पर जाकर के गुंगई पहलवान रियाज मारे लगलन दूर दराज के पहलवान का लगलन छक्का छोड़ावे कोई जोर कराओ वाला मिलत नहीं हो बारे पहलवान बारे काशी का माटी ऐसा कुदरती देर रहल कितना बढ़िया देर रहल कभी जी गुंगई पहलवान के शरीर के बखान एक लाइन में छंद में लिखना कैसे बैठा अरे करू कथन में पांच फूट अरे करू कथन में पांच फूट साढ़े नौ इंच लंबाई थी 32 इंच कमर या सीना 39 चौड़ाई थी अरे चौड़ा रानी 28 इंची अरे चौड़ा रानी 28 इंची अद्भुत सुघर गोलाई थी खास दो मन सात शेर कुल वजन की तौलाई थी ए भैया ये गुंगई पहलवान के शरीर के बखान हो चौने समय जवानी चढ़ल हो वो सदर के बात कभी जी लिखलन मास्टर एक लाइन बिरहा में गीत लगेल कवन गीत हो अरे जिया राजा अपने जवानी के आलम में हमरे गुरु के गुरु विजय लाल गुरु के गुरु रामदेव गुरु गावत रहलन जब से वीरस के बिरहा में एकाक थे गीत ना रखाला तब से बिरहा वीरस के जनेबे नहीं कराला ये गीत के कहे में मास्टर गवैयन के सीने के भार लग जाला हो कैसे गावत ना मास्टर ती आवाज तो बना के हो राजा
बा मास्टर ये गीत के सुने खातिर हमारे कोटवा बाजार से पहलवान मिष्ठान भंडार राम सेवक यादव भैया के बड़ा मन रहला। जब से दो बार तीन बार नहीं सुनल तब से उनकर मन भरबे नहीं करला। कैसे मास्टर बिरहा में भाव हो भैया। जौने समय गुंगई पहलवान पंडा गुरु के खाले पर जोर लगावे शुरू कैले अजमावे शुरू कैल वही बीच में कुछ विदेशी आकर के पहलवान हमारे बनारस जिला के टाउन हॉल बनारस के बीचों बीच टाउन हॉल कोतवाली में चाय लेने कर दिए। आवाज दिए है कोई माई कलाल पहलवान अपने मतारी के दूध पियले हो तो हमारे लाए हुए दो पहलवान से आके लड़ ले। वो कौन पहलवान है पिंटू? अरे जिया कौन समय रहल? अरे 1948 अरे 1948 टाउन हॉल काती और चाहे जो लगले रे काती के वासी वही समय में साधो पहलवान जैसा पूरे जिला बनारस में कोई लड़वैया नहीं रहल। गुंगई पहलवान तो बड़ा पीछे के लड़वैया रहल। साधो पहलवान शिवपुर चमाव के रहने वाले साधो पहलवान ने अपने जिला में नहीं कई जिला में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर के मिर्जापुर कानपुर मुजफ्फरपुर विदेशों तक कुश्ती जा करके लड़ा और हिंद केसरी कहा वो नहू के ललकार दहलस। साधो सोचत हो कि बाप पठे जवानी में नाम मिलना नहीं तो जमुना अड़ा रखित न कि निहुरला जाते लेकिन भयल का मास्टर बिरहा में टेरी लग गया बा देखा वही ऐलान सुन के दूर दराज से कई जिला जवार से पहलवान पहुंचल हो बड़ी खचखचाए के भीड़ लगल और पहलवानन के टोली जुटल हो कि आखिर चल के देखा जाए उसरवा कौने माटी का बनल हो बनारस के चाय लेने कह दिया। वही में गुंगई पहलवान पहुंचल हो गुंगई कहलक ये पंडा गुरु तैसा आदेश कह देता दे सारे के पटक के करे खाल में भूसा भर दे कहना बचवा अब अपन शरीर दे। अरे हाँ भाई कम उम्र तो रहो ना ओकर शरीर देख ले तोरे का टेढ़ा दुगना हो हाथ मत मिलाई है वो दंगल का शर्त रहल मास्टर जवन पहलवान पटक दे ही आजीवन देश नहीं बल्कि विदेशों तक अगर कुश्ती लड़ेगा उसकी पूरी खर्चा खान पान किराया भाड़ा सब सरकार बहन करेगी। और जो पहलवान पटका जाए वो पहलवान के आजीवन दंगल से खत्म कर दिया जाए यानी कुश्ती कभी ना लड़ दिया जाए।
ई दंगल के शर्त सुन के लड़वैयन के निगोटा पैकेट के भीतर जाए लगल। जियत रही बहुत लड़ल जाये। अच्छा तो जियत रही तो बहुत दंगल देखल जाये लड़ल जाये। कोई के हिम्मत नहीं पड़त बा भाई, विदेशी पहलवान हो, काजू किशमी बादाम खैले हो, एकदम लीलार चमकत हो, यार किसान के बेटा घुमाई से बर्दाश्त नहीं भेल। कह की बचवा ये काशी है बनारस हो, यहाँ से कोई चाहले तो कह के नहीं गल बा अन्ना कोई जाई। घुमाई पहलवान कैले का मास्टर बिरहा के शैली तेरी लग गई। अरे हमसे जोड़वा हाँ, अरे आज मालाई सा हमसे जोड़वा टाउन हाल में गर्जा शेर बनारस वाला ही हो वाला ही हो वाला टाउन हाल में गर्जा शेर बनारस वाला या जमाला ईसा हमसे जोड़वा। गुंगई से शर्त मंजूर नहीं भेल, बर्दाश्त नहीं भेल, डांक के खड़वा पर चढ़ गई लन उस्ताद के बतिया के नहीं मलन। जब खड़वा पर चढ़ के जब्बार पहलवान से ईसा पहलवान से दुनहुन से हथवा के मिला लेलन। कया पहलवान कुश्ती मैं लड़ूंगा। साधु पहलवान बैठल हो करे ये छोट बचवा हो भाई लड़का हो, डाक के जलगल पंडा देखा भैया इज्जत के बात बा। कह घबरा मत उस्ताद, गुंगई पहलवान जब नहीं मनल है कुश्ती बद गई ईसा जब्बार दोनों पहलवानन से। पंडा गुरु कहा कि कुश्ती हुई लेकिन कल हुई तो भयल का मास्टर पूरे जिला में हर हर महादेव का नारा लगे लगल, उद्घोष लगे लगल कि हे भगवान ई विदेशी आयल बाप आज लाज तो के बचावे के बा। जितना नर नारी हुन पहलवान पुरुष हुन सब ही मनौती मानत बा के बारे मालिक आज बनारस की इज्जत के बाद बा बचा लिया भगवान। रात भर नारा लगल, जब सवेर भल कुश्ती का समय भइल है तो मास्टर एक लाइन बड़ा बिजोड़ गीत यहाँ लग गई बिरहा में, यो बड़ा खचखचवा गीत है आवा था। उहे गीतिया बा कि तोरा नैहार अरे तोरा नैहार तोरा संग ही तो गीत हो लेकिन भाव कितना बिजोड़ कवि लिखत हुन। एक गीतिया के सुने खातिर हमरे गुंगई पहलवान के परम शिष्य, कोई कपोल कहानी नहीं मित्र, आज भी गुंगई पहलवान के शिष्य माननीय हरिशरण पहलवान उर्फ चुम्मा यादव, सुपुत्र रामधारी पहलवान, जिला पंचायत भैया के बड़ा शौक रहला मांग रहला, आप लोगों के बेहद मांग पर ये बिरहा हम लोग
छोड़त भी है, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गए कैसे मास्टर आओ बना के कस का जंघीरा गुंगई पहलवान अपने माई बाबू के चरण पकड़ के आशीर्वाद लड़की माई आज जात है अपने देश के बाद बा जिला के बाद बा आज इज्जत दांव पर लगल बा आशीर्वाद दिया माई कि देश के पानी बचा ली धरती माई के पानी बचा ली ये माई बाबू माई के आशीर्वाद लेके पहलवान चलल है कहाँ पहुँचलन टाउन हॉल बनारस के बीचों बीच पहुँच के कैलन का जंघिया निगोटा चढ़ाई के लगल रियाज मारे यो किसान के बच्चा हो एकदम छसुतियवा छड़े जाना मास्टर जेके रख देना ठिवनी सरवा निहुरले धस गई कि कोनो कपोल ना सच्चाई कहानी बा बिरहा में भाव लिखल गेल कैसे कि तीन मन रहली अरे रहली हो तीन मन रहली अरे चपार के वजानिया अधुई सत्तासी बाकी चढ़ाली जवनिया जौने दिन ललकरले रहलन सब ओ दिना तक कम भीड़ रहल और जौने दिन कुश्ती हो ओ दिना तक पूछ ही के ना हो आधा किलोमीटर दूर ले जनता चप्पल हमारे मालिक कुश्ती होए के तैयारी होत हो तो कुश्ती होत कैसे हो मास्टर बिरहा में बड़ी बिजोड़ गीत लगिल मास्टर ते बना के आवा देखा ही कौनो दुलही के बात बा कौनो लड़का से देख नहीं जाता का देखत हो अरे तारी उमर कमर लचा कनिया अरे तारी उमर कमर लचा कनिया गोरिया खींचन हुर के पनिया गोर के झूले झूलनिया विदेशी पहलवान ईशा पहलवान का वजन एक कुंतल 20 किलो तीन मन बतावल गई इधर बनारस के पहलवान हमारे देश के पहलवान का वजन कितना हो दुई मन 7 शेर यानी 87 किलो के वजन में गुंगई पहलवान 3 कुंतल के पहलवान से हाथ मिलौले हूँ 33 किलो के वजन आई का फर्क हो लेकिन बारे कसौटी का होले वो तो पहलवाना के वैया जाना ना मास्टर तब कैसे हो था कुश्ती अरे तो जैसे ताल बजे जैसे ताल ताल बजे जैसे ताल बजे अरे तू खलिया होला पीछे जैसे सांड के देख के सांड दौड़े वही तरह
गुंगई पहलवान कोई अंग्रेज के देख के दौड़े लगल, झपट पड़े हमन, कुश्तिया होए लगल। कैसे कुश्तिया हो तो मास्टर कभी जंतरा लिखने कैसे, घुंगाई उल्टी पर छटकाया, घुंगाई उल्टी पर छटकाया, घुंगाई काला जंगल लगा के, घुंगाई काला जंगल लगा के, पटका के, अरे पटक के गुंगई रखला सीना, पटक के गुंगई रखला सीना, पछे हो नीला हो बजनिया, होला पीछे रखा राना, ईसा पहलवान बाबा जब ही धोबिया पाट मरलस गुंगई पहलवान के तुरंत उल्टी दांव पे गुंगई पहलवान छटका देलन। सारा दांव जैसे जना के गुंगई पहलवान के रमर रमावल हो, कौनो दांव सीखे के जरूरत ना, उल्टी पर छटका के तुरंत में काला जंग भिड़ा के चारों खाना चित कह देलन। जब चारों खाना चित कह देलन पहलवान के, तो हड़कम मच गेल बाबू, हाफ लगल प्राण खाली ना निकलल, जैसे कपड़ा सरवा फेचा जाए वही तरह हुमुद के पटकलन, जैसे जनाली कपड़ा के तरह सरवा सूत गल धरत। ए मास्टर, खुशी का लहर पूरे बनारस जिला में दौड़ गई, वहाँ के जनता वहाँ के पहलवान का हौसला बुलंद हो गया। ओ समय में पंडा गुरु टाँक के खड़वा पर चढ़ गेलन, आ चढ़ के एक बात गुंगई पहलवान के भर अखबारी में लेके एक बात कहलन। का कहला मास्टर, वह बितिया बाप, अरे सरंगिया वाले कटेरावान, अरे सरंगिया वाले कटेरावान, अरे बताई दे रे छोटा की नाना दी, पंडा गुरु खड़वा पर पहुंच के कैलन का खुशी के आंसू पंडा गुरु के, खुशी के आंसू पंडा गुरु के नलनवा पर तय हो में रोबे करला, लेकिन कभी कभी आदमी सुख में भी रोवाला। बार पंडा गुरु के आंख से आंसू छलक गल, गुंगई पहलवान के अखबारी में भर के रोवत हो कि बचवा, आज देश के पानी बचा लेला, बनारस के लाज बचा लेला बेटा, अपने अखाड़े के पानी बचा देला ला। एक बात और कहला, का कहला बुढ़ाई का लाज रख देला लाल, लेकिन यह बाबू कहत हूँ माई का कहलत मातृभूमि माई के कर्जा,
पूका कैला जन्म सफल बा पूका कैला रतनवा भैला हो बाबू माई सब ही दौड़ल बचवा के देख के ललाहित बा कि बारे बेटा बाबू यह कहत हुन कि लाल आज तोरे नाम के सहारे तोरे बाबू का नाम है इतिहास के पन्ना में लिखा गया बेटा मतारी दौड़ल कह बचवा आज बुझा तो कि हमारे दूधे के कर्जा चुका दे लाल बाहरे मालिक बाहरे हमारे बेटा यह मतारी कहलस्त भैल का मास्टर वहाँ के भीड़ वहाँ के जनता वहाँ के पहलवान के का हाल बा कैसन माहौल उघड़ी के बाप कवि जी बिरहा पापट लिखने मास्टर कैसे अरे जय कारा ए भैया जय कारा जब बजे विजय की ताली टाउन हाल में अरे जय कारा जब बजे विजय की ताली टाउन हाल में अरे काशी जी में खुशहाली टाउन हाली में विश्वनाथ की नगरी झंडा लहराई हो अरे गंगा जल के पावन हरियाली टाउन हाली में काशी जी में छाय गई खुशहाली टाउन हाली में ए भैया आज भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है काशी नगरी पूरे खुशी के माहौल से गदगद हो गई तो भयल का मास्टर कवि जी बिरहा में आला लिखले आखिरकार गुंगई पहलवान और कहां कहां कुश्ती मरलन इतिहास गवाह हो एकदम 100% सत्य कहानी कोई कपोल कहानी ना बा कैसे मास्टर जम्मू कश्मीर के तराई से लेकर के मिर्जापुर गोरखपुर अयोध्या से लेकर के तमाम तमाम पहलवान जम्मू कश्मीर के सच्चा सिंह नामी जो कश्मीर के सरी थे उनके यहाँ वहाँ जा करके गुंगई पहलवान ने उनका गुमान तोड़ दिया ए भैया तमाम तमाम जगह कुश्ती गुंगई पहलवान ने जीता और बनारस काशी का इतिहास और नाम और ऊँचा किए मास्टर बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का आल्हा लग गया कैसे मास्टर ए बाबू माथुरा में लाला लई
अरे मिर्जापुर गोरखपुर में लिया बाजी बताओ लले के गुंगई पहलवान कानपुर मुजफ्फरपुर मथुरा मिर्जापुर गोरखपुर जहां भी लड़े वहां विजय को प्राप्त हुए। आज भी मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल के दरबार में आप जो ही मत्था टेकेंगे दरवाजे पर प्रवेश करेंगे वहां गुंगई पहलवान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, इतिहास गवाह है। लेकिन दुख कब भई जौने समय ये दुनिया के संसार के छोड़ के गुंगई पाल चल गए। कब गए बाबू मास्टर बिरहा में खड़ी लग गई कैसे पाल वंश से गईले सुगनमा उड़ी टाउन हाल में विजय के बन्हा के पगड़ी। लेकिन कौने समय में गईले 26 मई 2000 तीन में गुंगई स्वर्ग सिधारे राजघाट खड़ा कायम और बिल्कुल नाम तुम्हारे खानदाने चढ़ी टाउन हाल में विजय पगड़ी। भैया गुंगई पहलवान 26 मई 2003 में ये दुनिया के छोड़ के चल गए बाबू बहर मलिक। आज भी राजघाट मालवी पुल के बगल में काशी स्टेशन के नीचे भदौ चुंगी पर शेर अखाड़ा के नाम से गुंगई पहलवान का नाम आज भी विख्यात है। जहां जहां कुश्ती वहां का नाम रोशन किए। इसीलिए कहा जाता है आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है। मित्रों बढ़िया बात बतौला बेटा। लेकिन दुख एक वीर के भई वो कौन वीर रहलन शिवपुर चमाव के रहने वाले हिंद केसरी रहे साधो पहलवान के जौने समय गुंगई पहलवान के बेटवा राम दुलार पहलवान जब नेवता लेके गईले अपने बाबू के मरनी के तेरे ही के नेवता लेके गईले तो जौने समय मालूम भल साधो पहलवान को उसमें कैले का हो भर के अकवारी में राम दुलार पहलवान के रोवत हो कैसे मास्टर रोवत साधो यादवी ए बाबू रोवत साधो यादवी तब बिहार जाल छतिया अरे कहे गुंगई चल गई ला छोड़ के संघतिया के पगा।
ऐसे ऐसे मतारी, ऐसे ऐसे महावीर पुरुष को जन्म दी जो देश का नाम रोशन किए, इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर गए। बिरहा भई समाप्त। बिरहा का शीर्षक रहल बनारस किसान गुंगई पहलवान। ए भैया आखिरी लाइन लिखल गई कैसे, हर खानदान और सारनाथ से हमारे बड़े भाई पाल समाज के जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल पिंटू और सारनाथ अखाड़ा के हमारे संतोष पहलवान की भी बड़ा योगदान है 61 करावे में रहल। भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। बिरहा भई समाप्त हमार। गुरु बिहारी गणेश गुरु रामलाल